सो गाइस, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो 2022 में आप अपना जो कि वीडियोज़ है वो कैसे अपलोड कर सकते हो। मतलब कि आपको अपलोड करना तो आता ही होगा, बट इसमें जो सेटिंग होती है वो यहाँ पर बहुत ही अपडेट हो चुकी है, जो कि 2022 में जो कि नई आ चुकी है। एंड आपको पता होगा जो कि 2021 में 20 में जो कि अलग थी, बट अभी यहाँ पर जो कि चेंज हो चुकी है। एंड इसमें मैं आपको बताऊँगा जो कि अपलोड करने का सही तरीका कौन सा है, तो सब कुछ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो पे एंड तक रहिए। मेरा नाम है अनिल, आप देख रहे हो कैन यूट्यूब चैनल, तो देखो और देखते रहो हमारे वीडियो। सो गाइस, जो कि आप क्या करते हो, डायरेक्टली यूट्यूब ऐप में चलते हो एंड वहाँ जाके अपना जो कि वीडियोज होता है वो डायरेक्टली अपलोड कर देते होंगे, बट आपको वैसा नहीं करना है। शायद आपको पता ही होगा जो कि मैं कहाँ से अपलोड करता हूँ, बट नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ। मैं यहाँ पर जो कि वीडियोज अपलोड करता हूँ वो करता हूँ यहाँ से क्रोम ब्राउजर से, एंड आपको भी वहाँ से ही करना है। एंड आपको पता भी होगा शायद कि वहाँ से अपलोड वीडियोज करना होता है, बट अब मैं आपको बता दूँ कि जो सेटिंग होती है वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला कि कौन सी सेटिंग ऑन करनी है, कि कौन सी सेटिंग यहाँ पर ऑफ करनी है, सब कुछ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ऐसे क्या करता हूँ जो कि आपको ले चलते ऐसे फर्क स्क्रिप्ट पे एंड वहाँ पर बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना जो कि वीडियोज होता है वो अपलोड कर सकते हो एंड अपलोड करने का सही तरीका कौन सा है वो आप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चले फर्क स्क्रीन पे एंड आगे चलने के बाद आपको क्या करना है, तो चले फर्क स्क्रीन पे। सो गाइस, जो कि आपको वीडियोज अपलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो कि क्रोम ब्राउजर है उसको आपको ओपन कर लेना है। तो सिंपली मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। एंड क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ पर आपको सर्च करना है studio.youtube.com। इतना से यहाँ पर सर्च कर दोगे तो आपको SNWS देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर त्रिकोण पर क्लिक कर देना है, 3 डॉट होता है वहाँ पर, एंड नीचे आना है एंड डेस्कटॉप साइड है वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब वहाँ पर जैसे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको जो कि अपना स्टूडियो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना है अपना जो कि स्टूडियो ओपन हो जाए, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एक अपलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जैसे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। सिंपल मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ एंड आपको SNWS देखने को मिल जाएगा, तो सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। सिंपल मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ एंड अपना जो भी वीडियोज़ है वो यहाँ पर ले लेता हूँ। तो आपको भी अपना जो भी वीडियोज़ होता है उसको ले लेना है। वीडियो लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, तो सिंपल यहाँ पर हो चुका है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर पहले जो टाइटल आएगा तो सिंपल आपको टाइटल पर क्लिक कर देना है एंड आपका जो भी टॉपिक हो वो यहाँ पर टाइटल डाल देना है। तो सिंपल मेरा जो कि यहाँ पर टॉपिक है वो यहाँ पर जो कि वीडियो अपलोड कैसे करें, तो सिंपल यहाँ पर डाल देना है यूट्यूब वीडियोस कैसे अपलोड करें। तो सिंपल आपको इतना से यहाँ पर लिख देना है एंड इतना लिखने के बाद आपका जो टाइटल है वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। आप कुछ भी आपको लिखना चाहो अपना जो टाइटल होता है वहाँ पर, वो यहाँ पर आपको लिख देना है। तो सिंपली यहाँ पर मैंने जो टाइटल है वहाँ पर लिख दिया है, तो यहाँ पर जो कि मेरा टाइटल है वो यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर लिख दिया है, मतलब क्या अभी लिख रहा हूँ। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको भी अपना जो कि टाइटल है वो कंप्लीट यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये टाइटल है उसको पहले तो आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, ये टाइटल उसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ एंड उसको कॉपी करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है। उससे क्या होता है जो कि आपको यहाँ पर अपना जो कि वीडियोज है वो जल्दी से यहाँ पर जो कि सर्च में आता है। तो सिंपल आपको पहले तो ये टाइटल है आपको यहाँ पर डाल देना है एंड यहाँ पर टाइटल डालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो अपना वीडियोज है उसके नीचे जो भी आप हैशटैग लगाना चाहते हो वो यहाँ पर लगा देना है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप अपने जो इंस्टाग्राम की लिंक, फेसबुक की लिंक, जो भी आप लिंक डालना चाहते हो उसको यहाँ पर डाल देना है। तो सिंपली मैंने यहाँ पर सब कुछ पहले से डाल दिया है। फिर आपको यहाँ पर अपना थंबनेल लगा देना है। थंबनेल डालने के बाद आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो जो भी प्लेलिस्ट पे अपना जो वीडियो डालना चाहते हो वहाँ पर क्लिक कर देना है एंड जी आपको डन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो डन आपको कर देना है। डन करने के बाद आपको नीचे आना है एंड नीचे आने के बाद जो कि आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप देख सकते दे रहा है जो कि 18 से नीचे है तो आपको यहाँ पर ऊपर रखना है एंड 18 से ऊपर का जो कि वीडियोस देख सके तो आपको नीचे रखना है। फिर आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है एंड यहाँ पर टैग होकर वो आपको डाल देना है। अब आपको कैसे टैग डालना है वो मैंने ऑलरेडी वीडियोज बनाया है, आप जाकर देख सकते हो। एंड यहाँ पर आपको जो भी अपना जो कि टॉपिक होता है वो रखना है, यहाँ पर अपना जो भी कॉन्टेंट है वो यहाँ पर आपको रख देना है। सिंपली नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो चैनल मोनेटाइज है तो यहाँ पर एड ऑन करनी पड़ेगी, तो सिंपल मैं यहाँ पर ऑन कर देता हूँ एंड आपके जो कि मोनेटाइज नहीं है तो आपको ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा। सिंपल आपको क्या करना है, नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, नेक्स्ट कर देना है एंड SNWS देखने को मिले तो यहाँ पर क्या करना है, आपको जो कि वीडियोज में यहाँ पर खून या ऐसा कुछ दिखता है तो आपको यहाँ पर लगा सकते हो एंड नहीं है तो आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ओके कर सकते हो। बट आपको जो कि खून की आस सेक्सी ऐसा कुछ हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा एंड यहाँ पर बताना पड़ेगा कि ऐसा वीडियोज़ में है, तो सिंपली यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया जो कि मेरे वीडियोज़ में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसा कंप्लीट हो चुका है। अब नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जो होता है नेक्स्ट का, तो सिंपली आपको नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाएगा जो कि एंड स्क्रीन एंड आई बटन।
तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले तो एंड स्क्रीन पे ओके कर देना है, एंड वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो कि एंड स्क्रीन है वो यहाँ पर लगा देना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ एंड एंड स्क्रीन लगा देता हूँ। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर वीडियो लगाना चाहो एंड चैनल का लोगो वो यहाँ पर लगा देना है। तो मैं सिंपली अपना वीडियोज है वो यहाँ पर पहले तो लगा लेता हूँ, तो प्लस पे क्लिक कर देता हूँ, अपना जो भी वीडियोज है वहाँ पर मैं ले लेता हूँ। यानी यहाँ पर मैं एक वीडियोज अपना ये वाला ले लेता हूँ एंड अपना कंप्लीट हो चुका है, सेव पे क्लिक कर देना है। एंड सेव पे क्लिक कर दोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको आई बटन पे क्लिक कर देना है एंड आपको जो कि यहाँ पर मिनिमम 5 वीडियो लगा सकते हो। तो सिंपल आपको क्या करना है, प्लस का आइकन दिखेगा वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है एंड वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा। तो वीडियो पे क्लिक करके आपको आई बटन में जो भी वीडियोस लगाना चाहो उसको लगा सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 5 जो अपना वीडियोज होता है वो यहाँ पर लगा लेता हूँ, जो आई बटन होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने जो कि 5 वीडियोज है वो यहाँ पर आई बटन पर लगा दी है। अब आपको सेव कर देना है एंड आपका जो कि आई बटन है वो यहाँ पर लग जाएगा। अब आपको नेक्स्ट कर देना है एंड यहाँ पर आपको जो कि कॉपीराइट एंड अपना जो कि एड्स होता है वो दो दिखे गए। तो यहाँ पर जो कि आपको कॉपीराइट पे आपको टिक लगेगा तो आपको जो कि कॉपीराइट है वीडियोस में नहीं आया है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ए राजू की एड्स का वहाँ पर आपका कंप्लीट है तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर जो कि प्राइवेट अनलिस्ट एंड यहाँ पर जो कि पब्लिक है तो आपको पहले तो अनलिस्ट रखना है, आपको प्राइवेट नहीं रखना है। एंड फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि मिनिमम आपको जो कि अपना वीडियोज है वो 5 घंटे पहले आपको जो कि वीडियोज अपलोड करके रखना है एंड आपको करना है अनलिस्ट। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर लगाना चाहो जो कि अपना टाइम होता है वहाँ पर तो भी यहाँ पर लगा सकते हो, जो भी करना चाहो, बट अपना जो कि वीडियोज है वो यहाँ पर जो कि 5 घंटे पहले आपको अपलोड करके रखना है। फिर आपको नीचे सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, सेव कर दोगे अपना वीडियो अपलोड हो जाए। सो गाइस जो कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप अपना जो कि वीडियोज होता है वो यहाँ पर अपलोड करना है एंड कौन सा सही तरीका है वो भी आपने आपको बता दिया। जो आप 2021 में एंड 2020 में जो वीडियोस अपलोड करते थे तब इतने ऑप्शन नहीं थे, बट अब यहाँ पर ज्यादा ऑप्शन यहाँ पर हो चुके थे। मैंने आपको बता दिया कि कैसे अपना जो कि वीडियोस है वो यहाँ पर अपलोड करना है। तो आज के वीडियो में जो कि वीडियो अच्छा वीडियो कर दीजिए एक लाइक एंड हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।